क्योंकि बड़ी मुश्किल से भाईचारा बना है, और ये भाईचारा में अगर विघ्न डालेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी सारी पोल पट्टी वैसे तो खुल चुकी है कि आप ब्राह्मणवादी लोगों के मानसिकता में खेल गए हो, उनके हाथ बिक गए हो, उनसे फंडिंग होती है आपको, आपकी बात कोई नहीं मानता है। कि सहारनपुर में जो झगड़ा हुआ क्या वो अनावश्यक नहीं था? क्यों वहां पर इस तरह की बात कही गई कि रामलीला ग्राउंड में यह कार्यक्रम होगा? तो आपने जिद्दोजहद करके वहां टूटे हुए रविदास आश्रम मंदिर पर ले जाने की आवश्यकता कहां थी? एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी, सुरेश जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद जी। सुरेश चंद्रा जी, अभी एक पार्टी बनी है जिसका नाम नहीं रखा गया है और वो चंद्रशेखर रावण ने बनाई है, तो क्या मायने हो सकते हैं इस पार्टी को बनाने के, और कहां तक इसमें बहुजन समाज का कहीं भी पार्टी का फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो है इस वक्त बहुजन समाज की है, तो क्या मायने हो सकते हैं इस चंद्रशेखर की पार्टी को बनाने के पीछे? देखिएगा, जहाँ तक किन्हीं चंद्रशेखर रावण की बात है, उनके किसी भी काम से, वो चाहे राजनीतिक दल बनाए, संगठन बनाई रखा है जिसे भीम सेना कहते हैं, लेकिन कैसी सेना है, हर जगह पिटाई खा करके आती है। तो उसका कारण केवल मात्र ये है कि वो लोग सिस्टम वाले लोग नहीं हैं, और ऐसे नज़र आता है पूर्णतः कि वे लोग जो इधर देश में मनवादी लोग अपने मकसद को पूरा करने में लगे हैं, उनके हाथ खेल गए हैं, उनके हाथों में उनकी कमान हो गई है। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी बड़ी मुश्किल से बनी है। यहीं से उन लोगों का स्वार्थ अलग स्पष्ट हो जाता है कि जिस बहुजन समाज पार्टी को बनाने में माननीय कांशीराम साहब की पूरी ज़िंदगी लग गई हो, माननीय बहन जी की पूरी ज़िंदगी लगी है, और रिजल्ट भी आपके सामने हैं। हम देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पे चार चार बार सरकार चलाई है, और बाबा साहेब के सिद्धांतों को सही मायने में इस देश में अगर किसी ने लागू किया है, उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया, सरकार चलाई है, तो ऐसी बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारे आदर्श माननीय बहन जी हैं। माननीय बहन जी अपने में सक्षम हैं। माननीय कांशीराम साहब ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोगों को परखा, और उनके परीक्षण वैसे भी किए कि कितने विवेकवान हैं, कितने ब्रह्मिनिकल सिस्टम से जूझ सकते हैं। उन पर अगर कोई खरा उतरा तो माननीय बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहुजन समाज पार्टी की, वो खरी उतरी, और उन्हीं को माननीय कांशीराम साहब ने बसपा का उत्तराधिकारी घोषित किया। तो जहाँ बसपा बड़े मजबूती के साथ चल रही हो, तो ऐसे छोटे मोटे लोग कुछ भी प्रभाव नेगेटिव डाल नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के प्रयास किए हैं इस देश में। बीकेडी बनी और अपना दल, एक हमारे जज साहब होते हैं समाज के, उनके बेटे ने एक अपनी पार्टी बना रखी है, और आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने भी अपनी बात कभी रखी है, तो वो और ईसम सिंह रहे, इन सारे लोगों ने, एएसपी रही, बहुजन क्रांति मंच बना, बहुजन मुक्ति पार्टी बनी, इस तरह के बहुत सारे प्रयास लोगों ने किए हैं, जिनके स्वार्थ टकराए हैं बहुजन समाज पार्टी के जो सिद्धांत हैं, बहुजनों के कल्याण की बात है,
और मैं तो यहाँ तक भी कह देना चाहता हूँ कि जिनके 15 और 85 का हमारा जो संघर्ष रहा है और आज भी है, लेकिन 15 में जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं तो सारे लोग 15 वाले भी मनवादी मानसिकता वाले, उनमें भी कुछ कुछ ऐसे हैं जिन पे आपको भी रहम आएगा, क्योंकि जो ब्राह्मण पूजा का पात्र माना गया, आज उस ब्राह्मण को पेट की भूख मिटाने की खातिर आज उसको भी होटल पर झूठे बर्तन धोते हुए देखा गया है, तो उसके कल्याण की बात कौन सोचेगा। इधर जो मूछों पर ताव दे करके जो क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं कि वो लेबर चौक पर 2 वक्त की रोटी के लिए इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई काम पर ले जाएगा, हमें रोटी मिल जाएगी। तो ऐसे परिवारों के भी कल्याण की बात कौन सोचेगा। जो बनिया जिसको ये कहा गया, हम भी कहते हैं कि भाई देश का 82% पैसा केवल मात्र एक वर्ग के पास है, वैश्य वर्ग के पास है, लेकिन आज वो बनिया भी रेड लाइट पर, दिल्ली में खासकर रेड लाइट पर पेट भरने की लालसा में हाथ फैलाते हुए देखा गया है, भीख मांगते देखा गया है, तो उसके कल्याण की बात कौन सोचेगा। तो जब इस देश में मैं सारे राजनीतिक दलों को देखता हूँ तो बहुजन समाज पार्टी की मजबूती इस बात से और सिद्ध हो जाती है कि माननीय बहन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को लागू किया कि जो सवर्णों में भी है, जो गरीब हैं, जिनको वास्तव में सहारे की आवश्यकता है, उसको बहुजन समाज पार्टी ने सहारा दिया है। तो ऐसे उसमें ऐसे लोग किस आधार पर कहीं मेरी बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का दावा भर सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कह देना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो पहले भी जिन्होंने प्रयास किया है और आज भी जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर हैं, चाहे कोई और हैं, और इस तरह की नेचर के जो और भी लोग हैं, वो केवल मात्र मनवादी मानसिकता के जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके हाथ कहीं बिक गए हैं। नहीं तो मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई दल चलाइएगा, राजनीतिक दल चलाइएगा या कोई सामाजिक संगठन चलाइएगा, बगैर मुद्रा के एक कदम आगे चल नहीं सकता। तो हम लोग तो जो 15-85 या उन 15 में से भी हमारे साथ हैं, अगर हम लोग पूंजीपतियों की बात छोड़ दें और यदि हम लोग दल को चलाने के लिए अपने समाज से अपील करते हैं कि कुछ मदद चाहिए, जिसके लिए ब्राह्मणवादी समाज की जो राजनीतिक दल हैं वो हम पर आरोप लगाते रहते हैं कि माननीय बहन जी नोटों की माला पहनती हैं, तो नोटों की माला उन्होंने कभी दी नहीं है। ये तो बहुजन समाज के लोग इतना माननीय बहन जी को सम्मान देते हैं कि अगर एक एक रुपया हम लोग देते हैं अपनी पार्टी को, माननीय बहन जी को दल चलाने के लिए, तो एक एक रुपये से 85 हो जाता है। और फिर उनमें से 15 में से भी देने लगे हैं जो भी उन पर बन पड़ता है। हम मांगते नहीं हैं, हम अपने ही समाज से अपील करते हैं जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ और पूंजीपतियों के यहाँ से कोई धन मुद्रा नहीं आती है। तो इस तरीके से जब बहुजन समाज 15-85 में 85% हमारे साथ 100% है, तो फिर ऐसे लोगों को फंडिंग कहाँ से होती है, मेरा मुख्य सवाल है। और उत्तर भी मैं ही दे देता हूँ, ऐसे लोगों को फंडिंग जो पूंजीपति लोग हैं उनसे होती है, और वो अपने इशारे पर इस तरह के काम करवाना चाहते हैं उन लोगों से कि जिससे बहुजन समाज में बना भाईचारा, जो 6,743 जातियाँ हैं, वो मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांत पर कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, बहुजन समाज पार्टी ने जो ये आंदोलन चलाए, उस आंदोलन के प्रतिफल में जब समाज जुड़ने लगा, 6,743 जातियों के लोग जुड़ने लगे आपस में, और केवल मात्र जब हम 600 ही जाति जोड़ पाए थे तो हम देश के कई प्रदेशों में, कहीं विपक्ष में बैठे हैं, पंजाब में हम विपक्ष में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई है। तो इस तरीके से हम लोग मजबूती की तरफ बढ़े हैं, और जो ये भाईचारा समाज में जोड़ा है
उस भाईचारे को समाप्त करने के लिए ऐसे लोगों को मुद्दा बना करके, ऐसे लोगों को ला करके बहुजन समाज पार्टी के आड़े खड़ा करना चाहते हैं लोग, तो इस तरह की किसी भी साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे, वो नाकाम रहेंगे। और इतना ही नहीं, ऐसे लोगों से तो मैं यहाँ तक भी कह देना चाहता हूँ कि इनको सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि एक राजनीतिक दल बड़ी मुश्किल से बन पाया है, बड़ी मेहनत से बनवाया है, बड़ा संघर्ष किया है, और बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने वाला राजनीतिक दल अगर कोई है इस देश में तो केवल मात्र बहुजन समाज पार्टी है। बाद बाकी दल कहीं पर भी स्वार्थ की बात करते हैं और यहाँ तक तोड़ने की बात करते हैं, तो इनको मैं ये भी अनुरोध कर देना चाहता हूँ, अनुरोध समझिएगा, रिक्वेस्ट समझिएगा, या इनको चेतावनी समझिएगा कि उनके हाथों में ना खेलें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से भाईचारा बना है, और ये भाईचारा में अगर विघ्न डालेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी सारी पोल पट्टी वैसे तो खुल चुकी है कि आप ब्राह्मणवादी लोगों के मानसिकता में खेल गए हो, उनके हाथ बिक गए हो, उनसे फंडिंग होती है आपको, आपकी बात कोई नहीं मानता है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग जो कार्यकर्ता साथी हैं वो आपके किसी उतावलेपन से सहमत होकर के आपके साथ चले गए होंगे, लेकिन बाबा साहेब ने भी धीमी गति से चल करके इन मनवादी मानसिकता के लोगों में अपना संविधान मनवा लिया। उसी तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब ने भी बहुजन समाज पार्टी को बना करके 1978 में बामसेब को इकट्ठा करके, बामसेब के साथियों को इकट्ठा करके, और फिर DS4 से एक प्रैक्टिकल करके बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज को सौंप करके एक बहुत बड़ा दल दे दिया है। और ऐसे लोग, जैसे अगर मैं कह दूं कि सिर में असंख्य बाल हैं, अगर उनमें से एक बाल कहीं झड़ करके गिर जाता है तो वो झाड़ू से कूड़े पर ही फेंका जाता है। तो जिन लोगों के इशारे पर ये काम करना चाहते हैं, उन लोगों के इशारे पर उनका इशारा इनके लिए भी घातक होगा। उन्होंने पहले समाज को, बहुजन समाज को जातियों में बांटा, और जब जातियों को इकट्ठा करने का फॉर्मूला मान्यवर कांशीराम साहब ने दे दिया और समाज इकट्ठा होने लगा, तो अब उनको फिर खलबली। तो आज इसी तरीके से लोगों को संगठन बनवा बनवा करके और पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिलवा करके आज पुनः समाज को बांटने की प्रक्रिया मनवाद द्वारा तैयार की गई है। नहीं तो मैं एक बात जान लेना चाहता हूं कि सहारनपुर में जो झगड़ा हुआ, क्या वो अनावश्यक नहीं था? क्यों वहां पर इस तरह की बात कही गई? क्यों जाकर के वहां पर अगर वो झगड़ा हो गया उसके बाद क्यों चेतावनी और क्यों डरावना और क्यों लड़ाई का माहौल बना दिया गया? मान्य बहन जी गई, वो थोड़े दिन बाद गई और उस समाज को कुछ सहयोग दे करके आई। और इतना ही नहीं, जब अभी अगस्त सितंबर के महीने में, वैसे तो आप मेरे भोले वाले समाज के विद्वान लोग हैं कि इस देश में, मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दो और दो चार होते वो मैं कह रहा हूं कि एक तरफ राम मंदिर बनवाने के लिए, एक मंदिर बनवाने के लिए कोर्ट ऑर्डर करता है, और बहुजनों के गुरु, संतों के संत, संत शिरोमणि गुरु रविदास के मंदिर को तोड़ने के ऑर्डर करता है, लेकिन उसके विरोध में जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है विरोध प्रदर्शन के लिए, तो जब बात ये तय हो गई थी कि रामलीला ग्राउंड में ये कार्यक्रम होगा, तो आपने जिद्दोजहद करके वहाँ टूटे हुए रविदास आश्रम मंदिर पर ले जाने की आवश्यकता कहाँ थी? हमें तो विरोध
दर्शाना है, हमें तो विरोध प्रदर्शित करना है सरकार के सामने। लेकिन किसी झगड़े में माननवर कांशीराम साहब ने, पुणे में कह रहा हूँ, इस तरह से राजनीतिक दल बना करके दिया बसपा कि आज तक कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। लेकिन आपने तो इस तरह का कर दिया। भीम आर्मी आपने बनाई, मान लिया, तो भीम आर्मी का काम तो, लक्ष्य तो, उद्देश्य तो आपने ये बताया था कि जो समाज में समता सैनिक दल अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम लोग करेंगे। अगर दलित समाज पर कोई उत्पीड़न का काम होगा तो उसको हम देखेंगे, उसमें उस परिवार तक हम जाएंगे, धैर्य उसको बंधाएंगे। लेकिन कहाँ, आप लोग तो अब कहीं जाते आते नहीं। अरे अभी दो तीन दिन का मामला है, नोएडा में हुआ है, जो इस देश की सरकार चीखती चिल्लाती आप लोग, आप जैसे लोगों के इशारे पर, कि अब कहीं दलितों के साथ कोई अत्याचार नहीं है। अरे भाई अभी तीन चार दिन पहले का मामला है, नोएडा का ही मामला है, दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, बारात को लूट लिया, बारातियों को पीटा गया, कहीं दूर थोड़ी ना है। लेकिन ये सारा काम जो हो रहा है ये आप जैसे लोगों के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि भीम आर्मी का नाम ले लेकर के आपने समाज को इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया कि हम बहुत बढ़िया ढंग से चला रहे हैं। लेकिन कहाँ गया आजकल आप लोगों का ये? और आपने तो बड़ा स्लोगन दिया था, हर जगह बोलते थे, सभी कार्यकर्ताओं को कहते थे कि हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। हमारा अगर राजनीतिक दल इस देश में कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी का नाम ले ले करके आप लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन आज आप कहाँ हैं? राजनीतिक दल बनाने की बात कर रहे हैं, आप लोग उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। मैंने पहले नाम गिनाए हैं, इतने सारे लोगों ने ये काम करके देख लिया है। और एक बड़ा दावे के साथ ये बात कह देता हूँ कि आज भी बहुजन समाज पार्टी में जिनके सिद्धांतों पर ये राजनीतिक दल चल रहा है, माननीय बहन जी चला रही हैं, आज भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरित्र वाले लोग मौजूद हैं। आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साहेब का, मिसेज रमाबाई चली गई, बच्चे चले गए, दवाई के अभाव में गए, पैसे के अभाव में गए, उसी बिल्कुल डिट्टो स्टाइल माननीय कांशीराम साहब ने जब अपने परिवार से नाता तोड़ लिया और बहुजन समाज को अपना परिवार बना लिया, और जब वो रोपड़ पर अपना व्याख्यान दे रहे थे तो पिताजी का देहांत हुआ, कार्यकर्ताओं ने बताया कि साहब इस तरह की घटना हो गई है, आप यहाँ रोपड़ पे आए हैं तुक्के से, तो चलिएगा, शामिल हो जाएगा पिताजी की अंतिम संस्कार में। साहब ने स्वीकार नहीं किया कार्यकर्ताओं को, बोले मैंने पहले कह दिया है कि ये तो मेरे एक पिताजी गए, अभी तो बहुत सारे पिताजियों की ज़िंदगी बचानी है, बहुजन समाज को बढ़िया बनाना है, और वो नहीं गए। उसी स्टाइल पर जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बहन जी, वे लखनऊ पर मीटिंग करती रहती हैं और उनके भाई का देहांत इधर दिल्ली में हो जाता है, वे दिल्ली नहीं आई, भाई की मौत पर नहीं आई, तो क्या ये त्याग नहीं है? हर बहन बेटी परिवार बसाना चाहती है और परिवार के साथ साथ इस तरह के बच्चे भी चाहते हैं कि जिंदगी का जो आधार है वो ये है, विशेषकर महिला वर्ग के लिए। लेकिन माननीय बहन जी ने वो सारा त्याग किया है, तो उनकी मजबूती को चैलेंज कर पाओगे? और इतना ही नहीं, प्रभारी लोगों में भी ऐसे लोग हैं जो बसपा को चलाने में लगे हैं कि जिनके बेटे का देहांत हुआ और वो राजस्थान पर मीटिंग प्रोग्राम लगा है, चार पाँच दिन तक वो तैयारी करते रहे। जब माननीय बहन जी को पता लगा, राजस्थान के प्रभारी रहे हैं, मैं नाम भी ले देना चाहता हूँ, ऐसे मानवर धर्मवीर सिंह अशोक रहे हैं कि उनके बेटे का इंतकाल बुलंदशहर पर हो गया और वो वहाँ कार्यक्रम में लगे रहे, तैयारी में लगे रहे। माननीय बहन जी ने कहा, भाई तुम कहाँ हो? वो बोले, बहन जी मैं राजस्थान हूँ। अरे भाई इस तरह की सूचना मेरे पास आई है, तो क्या है? हाँ बहन जी वो सूचना सत्य है, तो फिर आपको तो वहाँ होना चाहिए। नहीं नहीं बहन जी, मैं उसको जिंदा तो नहीं कर सकता। लेकिन इन बहुजन समाज के लोगों ने गरीबी और आर्थिक तंगी से
जो परेशान हैं उन लोगों ने एक एक दो दो दस दस पाँच पाँच रुपये इकट्ठा करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, तो बहन जी अगर मैं चला गया तो इनका मनोबल टूट जाएगा। तो क्या ये त्याग नहीं है? मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं बॉम्बे गया हुआ था 2016 में, मेरा कार्यक्रम लगा था भुवनेश्वर पर, मेरी मिसेज को पैरालिसिस हुआ, मैं बॉम्बे पर छोड़ करके मैं मिसेज को आईसीयू में और सीधा वहाँ चला गया, क्योंकि माने बहन जी का इस तरह का इशारा है कि हालात कोई भी हों हम बहुजन समाज को मजबूत बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाएंगे और इस देश में बहुजन समाज को केंद्र की सत्ता तक ले जाएंगे। तो ये आप लोगों का प्रयास, आप लोगों का प्रयास, अब तो जनता जान गई आपको। आपका पूरा ये जो ढकोसला था ये सब ओपन हो गया है कि आप लोग स्वार्थी लोग हो, आप लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पूरे बहुजन समाज को ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ में गिरवी रखना चाहते हो। तो इसलिए सुरेंद्र जी वो ये लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे इस काम में, और किसी भीम आर्मी के बाद वो लोग अगर कोई राजनीतिक दल बनाते भी हैं तो बहुजन समाज पार्टी पर कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग बाबा साहेब के सिद्धांतों को साकार कर रहे हैं। अरे भाई भीम आर्मी वाले लोगों, अरे मनवादी लोगों को देखो, वो कितने ही दल होकर के फिर इकट्ठे में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो इतने लोगों ने दल बनाए और आज स्वार्थ की राजनीति करके आपने देखा नहीं? सुरेंद्र जी आपने देखा होगा जी। एक आदमी तो ऐसा जो बाबा साहेब की जन्मभूमि का है और केंद्र की सत्ता में है, और वो आदमी नशे नशे में कहता है कि पहले आपकी सरकार थी तो हम आपके साथ हैं, आज आपकी सरकार है तो हम आपके साथ हैं। मतलब समाज को गिरवी रख करके ऐसे लोग जो बाबा साहेब के जो कौम हैं बाहर कौम से वास्ता रखने वाले लोग, इस तरह के लोग राजनीति कर रहे हैं। एक आदमी का बेटा तो ये कह देता है कि मैं दलित का ठप्पा अपनी पीठ पर नहीं रखवाना चाहता, बाप हमेशा रिजर्व सीट से लड़ा, खुद भी रिजर्व सीट से लड़ा, लेकिन भाई दलित का नहीं है तो बताओ तुम किसके हो, क्यों बहुजन समाज को बदनाम करने में तुले हो, वो भी केंद्र की सत्ता में है। तो ऐसे स्वार्थी लोगों की उन्हीं की सीरीज में तुम भी शामिल होना चाहते हो, लेकिन बहुजन समाज आपको माफ़ नहीं करेगा, आपके पहले कदम पर ही माफ़ नहीं करेगा और आपको सफल भी नहीं होने देगा, और आपको इस तरह के शब्द बोलेगा कि आपको हर स्टेप पर बेइज्जती से सामना करना पड़ेगा। इसलिए लोगों, बहुजन समाज के लोगों, ऐसे लोगों को समझो, जानो, पहचानो और ऐसे लोगों को दुत्कार करके समाज से बाहर कर दो। अगर संभव हो सके और काला मुंह भी करना पड़ जाए तो कोई इस तरह की बात नहीं होगी कि जो कहीं अशुभ होगी, ऐसे लोगों का यही इलाज है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।